नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी और उन्हें सच्चे अर्थों में भारत के अमृतकाल का सारथी करार दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विशेष पूजा व हवन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में 74 किलो के लड्डू का प्रसाद भी वितरित किया। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए अविराम साधनारत विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा, हम सभी के मार्गदर्शक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हृदय तल से बधाई। उन्होंने आगे लिखा, 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य तथा सुदीर्घ जीवन की प्राप्ति और हम सभी को सदैव आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम लखनऊ के पटेल पार्क GPO में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि शून्य से शिखर की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का सार है। संघर्षों से आगे बढ़कर उन्होंने अपना मार्ग बनाया है। वहीं मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता वॉलंटियर्स को किया रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बारिश के बीच स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ किया। इसके तहत सीएम ने नमो प्लॉगथान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता वॉलंटियर्स को भी साथ ही रवाना किया। इधर सीएम योगी की मंशा अनुसार राज्य के कृषि उत्पादों को व्यापक मार्केट उपलब्ध कराने का मार्ग होगा प्रशस्त। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार प्रदेश में एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम डेवलप करने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में ई मंडी लॉटरी सिस्टम से युक्त करने के लिए वेब बेस्ड ऐप व पोर्टल पर फोकस किया जा रहा है। सीएम योगी के विजन अनुसार राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के लिए एडवांस फीचर से युक्त वेब बेस्ड पोर्टल व ऐप के निर्माण व विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर नव निर्माणाधीन ऐप व पोर्टल को लॉटरी ट्रेल सिस्टम, कूपन जनरेशन व यूजर इंटरेक्शन समेत 6R प्रोग्रामिंग डाटा से युक्त करने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने बनारस में रक्तदान शिविर का किया शुभारंभ, वितरित किए फल। मुख्यमंत्री ने शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में रक्तदान शिविर का आज शुभारंभ किया। उन्होंने मरीजों को फल भी वितरित किए। योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन हवन पूजन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ आयु व स्वस्थ रहने की कामना की। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें, सीएम योगी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्वकर्मा जयंती व स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में विश्वकर्मा जयंती व स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 की शुरुआत करते हुए कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को ई वाउचर, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, लोन का चेक आदि प्रदान किया जाए। उन्होंने बटन दबाकर वाराणसी के 104 परिषदीय विद्यालयों में IIT चेन्नई के सहयोग से विद्याशक्ति योजना का शुभारंभ, 1143 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी ने 2014 के बाद बदली हुई काशी को देखा है। जैसे काशी बदली है, वैसे देश उत्तर प्रदेश में भी बदलाव आएगा और आया भी है। ये भारत विकास विरासत पर गौरव की अनुभूति पर रहा है। भारत के पास आज विश्व स्तर इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। सबसे फिसड्डी भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में महज 10 वर्ष में पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अग्रिम 3 वर्ष में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 2047 का रोड मैप पीएम मोदी ने देशवासियों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। 140 करोड़ देशवासी, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग प्रफुल्लित हैं, तो इसका श्रेय काशी को जाता है क्योंकि संसद में पीएम मोदी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें पब्लिकेशन न्यूज के साथ।